हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग्स। बहुत दिन के बाद घर में कुछ बना रहे हैं, क्योंकि देखो अभी तक लाके हम लोग जो सामान है वैसे का वैसे ही है। रखने का भी, साफ करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये भी टायर्ड हो जा रही है ऑफिस जाके काम करके आके। तो हम भी बोल रहे कि करेंगे आराम से, लॉन्ग वीकेंड तो अब है नहीं कुछ, तो देखते हैं किसी वीकेंड में उसको निकाल के सब सामान। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ कुछ तो लाई है, साबुन उबुन सब वहीं से लेके आती है लड़की, निकाल दी सब। अरे वाह, तो इसमें कुछ कुछ ड्रेस है शायद मैंने इंडिया से लेके आया, कुछ कुछ गिफ्ट्स है जो इंडिया में मुझे मिला था तो वो सब लेके आया हुआ, तो उसको निकाल के सेट करना है। क्योंकि बोल रहा है कि पैकिंग तो वापस करना ही है बाद में, तो उससे अच्छा रह नहीं देते हैं। बट नहीं, एक बार देख लेंगे, कुछ कुछ ड्रेस है जो इसको लगेगा अभी। तो अभी हम लोग बना रहे हैं पोंगल लंच के लिए। लड़की मैंने पूछी क्या बनाने वाला, पोंगल बना दो, पोंगल बहुत मस्त लगता है। और रात के लिए भी ये बना ले लिए थोड़ा सा, और रात में सोच रहा हूँ कुछ भज्जी वज्जी बना लेंगे, देखा जाएगा। आपका सीन अभी तो पता नहीं, फिलहाल अभी तो भूख लगा है बहुत जोर के, तो ये कंप्लीट होने के बाद खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, प्रीवियस ब्लॉग से जो एडिट करना है वो एडिट करेंगे और उसके बाद मिलते हैं। खाते हम लोग का सार्थक शो हमेशा चलते रहता है। और ये भाई पोंगल, क्या वो मिर्चा भी इतना कूट कूट के मिर्चा डाली है ना कि हम सोचे मिर्चा बना है फिर, बट ये जो लेमन का टेस्ट आता है मिर्चा का, वो अलग ही लेवल का टेस्ट। बर्ड्स को एकदम कैसा लगा मस्त ना, यम्मी झाल तो है भाई, मिर्चा कैसे खाएंगे। चलो इसको ख़त्म करते हैं अभी, हाथ तक का सो कंप्लीट करते हैं, बहुत दिन से पेंडिंग है। चलो भाई लंच वंच हो गया, अब नींद आ रहा है मेरे को, भयानक नींद आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा फटो सोई एकदम घोड़ा बेच के कि नहीं खाते ये दादा चौकीदार है, तुम रात भर बैठ के जागी रहती है, नाक ढक ढक के सोती हो, बोलती हो नहीं सोती हो। हम तो जाके सोएंगे अभी, मिलते हैं शाम में। ठंडा में इसको वॉक पे जाना है लड़की को शाम को 6 बजे। चलो मेरा चप्पल कहाँ गया यार, देखो इसको नया गद्दा, हम पहले सोते थे सुहास भाई पे, तो ये जो है ना ये थोड़ा स्लगी हो गया, घुस जा रहा है अंदर से, उसको चाहिए हार्ट में। बोला ठीक है इसको बिछा ले, अभी इसको बिछा दिए, मैं उधर छोटू को अंडरग्राउंड सोऊंगा, ये तो ऊपर सो जाएगी लड़की। बोला ठीक है सो, चलते हैं वॉक पे, आते हैं जल्दी से, कैमरा लेके चलेंगे बाहर। अरे यार प्रॉब्लम एक हो गया कि मेरे को हैंड ग्लव्स नहीं मिल रहा है और बाहर है ठंड, तो कैमरा को लेके जाएंगे तो बैग में छोटा सा भरना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स को खोजना पड़ेगा, आके खोजेंगे। अभी देखते हैं बैग में जाएगा कि नहीं, तो बैग में ले लेंगे इसको। कहाँ गया बैग, इधर लड़की चाबी अभी ली नहीं है, निकल गया। मैं बोला इसको माफला ले रहा हूँ, तुम टोपी पहन लो, तो बोलती मैं टोपी नहीं पहनती हूँ, और तुम टोपी पहनती नहीं हो, तुम मेरे को टोपी पहनाती हो। अरे खा लेना तो हो जाएगा, देखते हैं ग्लव्स मिलेगा नहीं। मैं पूछा क्या खाएगी लड़की को, तो बोलती मैं देखूँगी, अभी जो दिखेगा वो थोड़ी खाएगी, क्या मन यहाँ कोई स्ट्रीट फूड थोड़ी मिल रही है, तो क्या मन है खाने के, तो बता। अभी तो विंटर आ रहा है, बहुत स्ट्रीट फूड मिले थे वो खाने का विक्टोरिया मार्केट पे, तो वहाँ पे तुम खा सकती है। इधर से पीछे, हाँ उधर से पीछे जाएंगे ब्रिज से होकर, हवा चल रहा है भाई ठंडा ठंडा, समुंदर के साइड से ठीक है, तो इधर से अंदर अंदर चलो चलो थोड़ा घूमते हैं। तो वहाँ पर आगे भी कुछ तो एक है जो झूला वूला जैसा रह रहा है, रोलर कोस्टर टाइप का कुछ तो बना हुआ है, तो वहाँ पर लड़की बोल रही कि क्या है वहाँ पे। मैं बोला विंटर में यहाँ बहुत सारा इवेंट होते रहता है, तो वहीं कुछ कुछ तो हो रहा है, कैसा है मस्त। ये डरती है कुछ ही पूछने से, बोला जाके पूछो नहीं। एनीवे तो वो रोलर कोस्टर है, भैया चढ़ना है, हम लोग यहाँ से घूम के जाएंगे और उसके बाद मुझे इंडियन स्टोर भी जाना है, कुछ कुछ सामान लड़की लिस्ट डाउन करके रखी है तो वो सब लेना है, तो यहाँ से वॉक करके जाएंगे जहाँ तक कर सकते हैं, फिर वहाँ से हम लोग ट्राम लेके इंडियन स्टोर जाएंगे। जब रेस्टोरेंट मस्त है, यहाँ विंटर है ना, तो यार ये सब रेस्टोरेंट में बैठ, तो चलो बैठे खा लेते हैं कुछ, अभी थोड़ी बैठ सकते हैं, क्यों नहीं, फ्रंट डोर है जाके पास रहते हैं, नो एंट्री प्लीज़ कम फ्रॉम द फ्रंट डोर। चलो क्या खाना है, ऐसे भी कल हम लोग जाएंगे तो कल स्पेशल डे है, तो वो कल पता चलेगा हम लोग का, तभी जाके रात में बुक करेंगे। तो बर्थडे में जिस रेस्टोरेंट में गए थे हम लोग, उसी रेस्टोरेंट में बुक करेंगे, क्योंकि वहाँ का फूड और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है ना भैया, इधर भी आ सकती है सब जगह, है ना, ट्राई करने के लिए।
ये सब पीने खाने का जगह है, वहाँ पर खाना बहुत मस्त मिलता है। ऐसे आप जा सकते हैं। ये तुम एक तरह से भूल गई क्या? ये देखो सब था यहाँ पे, ये वाला था, सब था सब। हम लोग यहाँ से जाते थे तो हर टाइम मैं आपको पकड़ लिया करती थी। नहीं यहाँ ये था पहले, उधर से एंट्री है। पूजा जाना है? हाँ जाना है। किधर से यार? आगे से देखते। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है ना कि कोई भी अब इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, कोई भी अब एक्टिविटी करते हो, तो हर चीज़ में एक तो इंश्योरेंस होता है और सेफ्टी टॉप नॉच रखते हैं हम लोग, ताकि कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये भी है तो चारों तरफ कांच से, चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, इसमें विंडोज़ लगाया हुआ है ताकि अब बाहर झांक के ना देखो। इधर से जाने का है तो हम लोग भी जिलोंग गए थे तो वहाँ पर भी हम लोग एक रोलर कोस्टर में चढ़े थे, तो काफ़ी अच्छा, मतलब सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, नहीं तो फिर कंपनी में बहुत बड़ा क्लेम आ जाता है अगर कुछ भी 19-20 होता है कस्टमर के साथ, तो विच इज़ अ गुड थिंग। अभी लगता है वो क्लोज़ हो चुका है वहाँ, क्योंकि वो चल भी नहीं रहा, लोग भी नहीं है। मैं भी कल हॉलीडे है तो इसके वजह से भी शायद बंद कर दिया होगा आज। हाँ आज हॉलीडे है तो इसके वजह से बंद कर दिया होगा, सॉरी। तो हम लोग थोड़ा और थोड़ा दूर क्राउन के साइड से वॉक करके चलेंगे। चल के लड़की पूरा थक गई थी, बैठना है। हम लोग ठीक है बैठ जाओ, 5 मिनट हम लोग यहाँ बैठे हैं और फिर वापस चलना स्टार्ट करते हैं थोड़ा देर उधर तक। चले थे अरे हाँ, यहाँ पर है ना फायर होता है बहुत सारा, 5-6 ऐसे कैसे पिलर है जिसके ऊपर से ऐसे फायर निकलते हैं। इधर एक है, आगे उधर है और उधर भी है। आजा यहाँ खड़े रहेगी ना तो तेरे को पूरा गर्म लगेगा भाप। अभी देखो थोड़ा थोड़ा मार रहा, अभी जोर से एकदम बहुत जोर से करेगा। और यहाँ पे रास्ते रास्ते में ना स्पीकर लगा हुआ है तो कुछ कुछ गाना बजते रहता है, तो वॉक करते रहो और गाना भी सुनते रहो। ओ देख लो कितना ऊपर मार रहा है। वो बात पूरा उधर से उधर लाइन से बज रहा है, लाइन से सॉरी फायर थ्रो कर रहा। चलो क्या हो गया तुमको? पूरा यहाँ तक मेरा मुंह में लग रहा है गर्म ताव। सही टाइमिंग है। मेरा एसडी कार्ड का मेमोरी पूरा फुल हो चुका है भाई, 128 GB। 1 मिनट दिखा रहा है मुझे, पता नहीं वो 1 मिनट रिकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट है कि क्या, मुझे पता नहीं। अभी जितना इतना हो जाता है कर लेते हैं, अगर बच गया तो फिर घर में जाकर रिकॉर्ड करेंगे। हाँ पर ना लाइव पेंटिंग बनाता है लोगों का बैठा के, और बहुत काफ़ी अच्छे से, बहुत मतलब आर्टिस्टिकली बनाते हैं यहाँ पर बैठ के। देखो तो कितना अच्छा पेंटिंग बनाया। पीछे जो अंकल गाना गा रहे हैं वो हमेशा वहाँ खड़ा होकर गाना गाते रहते हैं। यहाँ पर एक अपना स्पीकर ले आओ, गाना आता है नहीं भी आता तो गा सकते हो, ऐसा कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। कुछ लाइसेंस बनाना पड़ता है शायद, तो अच्छा अच्छा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देखो कि उस पर जाके वहाँ से हम लोग 86 ट्राम पकड़ेंगे। बहुत चल रही लड़की, 40 मिनट्स हो गया है। तो भाई अपना कैमरा का मेमोरी पूरा ख़त्म हो चुका है, जाके घर में जाके अभी उसका जो पुराने वीडियोज है वो सब निकालेंगे, तो अभी इसके फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी कर लिया था मैं, बट डिलीट करने भूल गया था। ना पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर स्लाइस हिसाब से पिज्जा मिलता है, तो एक स्लाइस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, क्योंकि घर में ऑलरेडी खाना रखा है, खाना फेंकना में अच्छा नहीं लगता, यहीं मिल जाएगा ना पिज्जा। चलो ठंड मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो धीरे तो चल रहे हैं एक एक स्टेप। ओ यहाँ पर है पिज्ज़ा, कौन सा पिज्ज़ा? वो पेस्टो पास्ता डाला हुआ इसमें तो। अरे नॉर्मल वाला कौन खाएगा? कौन सा लेके बता, वो वाला लेते हैं, वो वाला ये ये हाँ तो वही तो है।
नहीं यही खाते हैं। चलो कहाँ बैठेंगे? वहाँ बैठना पड़ता है, यहाँ बैठने का नहीं है, यहाँ बैठने का नहीं है, वहाँ नहीं है सीढ़ी पे, वहाँ धूल करता है गाड़ी चलेगा, पीछे बैठते हैं वहाँ बैठ के, वहाँ वहाँ जहाँ बैठे हुए थे जहाँ कैमरा भरे हम, उतने दूर जाएंगे? हाँ उतने दूर नहीं होगा। तो खाते जाओ ना तुम, ये गार्लिक चीज गार्लिक जो फेमस पिज्जा है वो लिए, ट्रेडिशनल नॉट फेमस, ट्रेडिशनल पिज्जा। और ये फ्लिंडर स्टेशन, यहीं से लड़की हमेशा पहले ट्राम पकड़ के जाती थी, ट्रेन पकड़ के सॉरी। तो हो रहा है वहाँ पर फायर, ओ वाओ तुम आई ना इसके खुशी में, मस्त पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ फटाका देखो। आ गए भाई, आ दे देखो खाना खा के उठ गई, या रील स्टार्ट कर दी यहाँ पे देखना उसको, देखो मुझे। अरे हम काम कर रहे थे ना भाई, पिनक कैसे खड़ा है लड़की, ऐसी रहे ऐसे ही पिने, अभी ऐसी बैठी है, गर्म करो ना 10 सेकंड। तुरंत में गुस्सा भाई साहब। चलो भाई डिनर कर लेते हैं हम, इसका हैंडल का हैंडल बैग में नहीं जाता बोल के हैंडल लटके, और चम्मच निकाल दे रहे तो ओपन फट जाएगा। इसका हैंडल देखी, अरे फ्रेश होके आते हैं, मुँह धो के फिर खाना खाते हैं जल्दी। चलो भाई डिनर अपना हो चुका है, ठंड काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पे, बस खेत के लाई है ऐसे रख दिए सोफा में, अभी तक इसको अंदर सेट करने का टाइम नहीं मिला। इसको नीचे करो ना, खाली मोबाइल देखो। चलो तो आज के ब्लॉग को करते हैं मैं ही समाप्त, और आप लोग से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने तो इंजॉय करो। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।